आप इस वीडियो में जानेंगे अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के उपायों के बारे में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इन परिस्थितियों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करने से किसी व्यक्ति को तत्काल ऑक्सीजन की दिक्कत से उभरने में मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि प्रोनिंग यानी पेट के बल लेटना होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को अच्छी तरह सांस लेने में मदद मिल सकती है। ऑक्सीजन का लेवल 94% से नीचे चल जाने की स्थिति में यह तरीका कारगर साबित हो सकता है। मंत्रालय के मुताबिक घर में रह रहे कोरोना वायरस मरीजों को ऑक्सीजन, तापमान और ब्लड शुगर की नियमित जांच करते रहना चाहिए और इनसे संबंधित डिवाइस अपने साथ रखने चाहिए, जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर इत्यादि, और फिर प्रोनिंग की मदद से अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना चाहिए। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो प्रोनिंग की प्रक्रिया से उसे बहुत मदद मिल सकती है। प्रोनिंग से वेंटिलेशन बढ़ता है और सांस लेना आसान हो जाता है। सही समय पर प्रोनिंग की यह प्रक्रिया कई जीवन बचा सकती है। खाने के 1 घंटे बाद ही प्रोनिंग करनी चाहिए। प्रोनिंग उतनी देर ही करें जितनी देर सहज रहे। प्रोनिंग करने की पहली एक्सरसाइज इस प्रकार से है। प्रोनिंग करने के लिए सबसे पहले 3 या 4 तकिया ले लें, फिर इन तकियों को सही तरीके में लगाएं। इनमें से एक तकिया अपने मुंह के नीचे और दूसरा चेस्ट के नीचे तथा तीसरा अपनी लेग तथा एक अपने पैरों से थोड़ा ऊपर नीचे करके रख लें। वीडियो में दिखाई गई पोजीशन में लेट जाएं और हाथ साथ साथ सांस अंदर व बाहर छोड़ते रहें। यह प्रक्रिया आप 30 मिनट या अपनी सहन शक्ति के अनुसार कर सकते हैं तथा इसके बाद दाहिनी तरफ घूम जाएं, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। ठीक वैसे ही सांस अंदर और बाहर करते रहें। अब सेम प्रक्रिया आपको अपनी बाईं तरफ करनी है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल बार बार नीचे गिर रहा है तो दिन में इस एक्सरसाइज को 5 बार या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल अपने आप 94% से ऊपर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में आगे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने की और एक्सरसाइज और उपाय बताए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी और नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। प्रोनिंग करने की दूसरी वाली या एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव है, जो इस प्रकार से है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे चला जाता है तो आप इस एक्सरसाइज के द्वारा अपने ऑक्सीजन लेवल को सही कर सकते हैं, वह भी एक छोटे से ट्रिक्स या एक्सरसाइज के द्वारा। सबसे पहले आप अपनी अनामिका उंगली में ऑक्सीमीटर लगा लें, फिर उसके बाद पेट के बल लेट जाएं तथा मुंह के पास एक तकिया रखें, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद मुंह को थोड़ा ऊपर करके सांस अंदर व बाहर करें। यह प्रक्रिया भी 30 मिनट दोहराते रहें। कुछ ही समय में आपको ऑक्सीमीटर पर आपका ऑक्सीजन लेवल अपनी सही रेटिंग पर आ जाएगा। इन एक्सरसाइज के साथ साथ योगासन भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में काफी मददगार होते हैं। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से ऑक्सीजन का लेवल 95 से 100 तक बना रहता है। अगर किसी मरीज को अचानक से ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है और उसे कोई तुरंत मेडिकल व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो अनुलोम विलोम भी उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। प्राणायाम। ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने में भस्त्रिका योगा आसन भी बहुत कारगर होता है। इस योगा आसन में लंबी लंबी सांसें लेकर छोड़ना होता है। सांस से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ये सबसे अच्छा प्राणायाम होता है। इसके अलावा आप कपालभाति, उज्जायी और शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं। फेफड़ों को बेहतर कैसे बनाएं? भाप लेने से फेफड़ों की दिक्कत काफी हद तक कम हो जाती है। आप पानी में देसी कपूर, अजवाइन, पेपरमिंट ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल समान मात्रा में डाल लें और इसमें 5 ml लौंग का तेल भी मिला लें। इसकी भाप लेने से आपको बहुत फायदा होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय के साथ साथ कोरोना के शुरुआती व नए लक्षण के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आईबॉल के बटन तथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और साथ ही इसे अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करेंगे। यदि आप इससे संबंधित और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा ताकि इससे संबंधित लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।